पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते बिलासपुर के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश में नदी नाले उफान पर हैं, स्लाइडिंग से लोक निर्माण विभाग की कई सड़कें बंद हुई हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर गब्बर पुल से गबरोला तक जगह जगह पर पत्थर और मलबा सड़क पर गिरा हुआ है। लोक निर्माण विभाग बरसात से निपटने के लिए पूर्ण तरह तैयार है। पिछले दिनों से हो रही भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, स्लाइडिंग से लोक निर्माण विभाग के कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205 चंडीगढ़ मनाली पर गब्बर पुल से गबरोला तक जगह जगह पत्थर और मलबा सड़क पर गिर रहा है। लोक निर्माण विभाग बरसात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। विभाग के पास भारी बारिश के दौरान बंद होने वाली सड़कों को शीघ्र अतिशीघ्र बहाल करने के लिए मशीनरी पर पर्याप्त मात्रा में लेबर है। लोबिनी मंडल नंबर 2 के कनिष्ठ अभियंता नंदलाल चंदेल ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की लेबर और मशीनरी सुबह 7 बजे से NH से मलबा व पत्थर उठाने के लिए पहुंच रही है, ताकि यात्रियों, पर्यटकों, वाहन चालकों को जाम जैसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि विभाग के अधीन कई सड़कें एक साथ अवरुद्ध होने की स्थिति में पहले NH को बहाल करने के लिए वरीयता दी जाएगी, जबकि अन्य संपर्क मार्गों को इसके बाद बहाल किया जाएगा। सुबह 7 बजे काम पे आ जाती है और गम्बर से लेके गमरोड़ा तक जो है पत्थर, पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं। तो हमने JCB लगा रखी है, लगभग हमने सारा रोड खोल दिया है और सुबह 7 बजे लेबर आ जाती है, JCB लगी हुई है। जहाँ जहाँ पत्थर गिरे हैं वहाँ JCB पत्थरों को उठा रहे हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियाँ।